टेस्टी और मज़ेदार दाबेली रोल बनके तैयार है। जो लोग ब्रेड नहीं खाते हैं, पाव नहीं खाते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिए। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सुवेन रेसिपीज़ को। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दाबेली रोल। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून तेल कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून ये भुने हुए पीनट्स है, मूंगफली, इसको डालेंगे। और इसके ऊपर हम 1 टेबल स्पून से भी कम, 1/3 टेबल स्पून हम इसमें जो दाबेली का मसाला आता है वो डालेंगे और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें 4 उबले हुए आलू डालेंगे। इसको अच्छे से हमें स्मैश करके लेना है। इस तरह से स्मैश करेंगे। अच्छे से स्मैश कर लिया है। अब हम इसमें पुदीना और इमली की खट्टी मिट्टी 1 टीस्पून भर के चटनी डालेंगे और धनिया डालेंगे। हमें इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मसाला है दाबेली का उसमें नमक, तीखा, शक्कर सब रहता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। अब हम दाबेली रोल बनाते हैं। उसके लिए मैंने ये रोटी ली है, पतली वाली, नॉर्मल गेहूं की रोटी है ये। अब हम इसके ऊपर मेयोनीज लगाएंगे। अच्छी तरह से पूरे रोटी पर हम इसे लगा लेंगे। मेयोनीज लगा लिया है। अब हम ये रोटी की एक साइड पे हम मैंने ये दाबेली का जो मिश्रण बनाया था उसका ऐसा रोल बना लिया है। अब हम इस पर इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे। अब जो है हम इस पर थोड़े से अनार के दाने डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालेंगे और इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। आपको जितना पसंद है आप उतना चीज़ इस पर डाल सकते हैं। अब हम इसको रोल करेंगे। हम इसे रोल करेंगे ये साइड से और ये साइड से। हम इसको ऐसे पकड़ के फिर इसको इसके ऊपर लेके हमें इस तरह से इसका रोल बनाना है। इस तरह से हम रोल तैयार करेंगे। तवे को बटर लगा लिया है। अब हम इसे तवे पर रख के दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ से रोल को सेक लेंगे।